The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. What is inflammation and what you need to know about inflammation? Inflammation kyun zaruri hai aapke shareer mein? See, inflammation sabke andar hota hai. Inflammation is what happens in everyone. अगर आप जागे हो, सोए हो, आपकी इम्यून सिस्टम काम करती रहती है, आपकी इम्यून सिस्टम इन्फ्लामेशन करती रहती है आपकी बॉडी के अंदर, एंड द रीज़न इज टू प्रोटेक्ट यू, राइट? आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्फेक्शन से, इंजरी से, बीमारियों से इन्फ्लामेशन ज़रूरी है, और इन्फ्लामेशन की वजह से दिक्कत भी हो सकती है. सो अगर आप ये नहीं होगा, इन्फ्लामेशन नहीं होगा, तो आप हील नहीं कर पाओगे. आपकी हीलिंग ही नहीं हो पाएगी विदाउट इन्फ्लामेशन. कभी कभी इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है तो ऑटो इम्यून डिजीजेस, यानी आप ही की खुद की इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम आप ही के शरीर को डैमेज करने लगती है. दैट इज ऑटो इम्यून बीमारियाँ, जैसे कि आर्थराइटिस. इम्यून सिस्टम अगर हेल्दी सेल्स को अटैक करे तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीजेस भी हो सकती हैं, क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी बीमारियाँ. इन्फ्लामेशन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक. एक्यूट का मतलब है तुरंत होने वाला इन्फ्लामेशन, एक ही साथ होने वाला अटैक जिसे हम कहते हैं, वो एक साथ होने वाले अटैक को एक्यूट इन्फ्लामेशन बोलेंगे. जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत सारा, एक मतलब दो हफ्ते से अंदर अंदर कम में आपको सिम्टम्स या इन्फ्लामेशन होने लगे. इन्फ्लामेशन में बॉडी ट्राई करती है, आप इन्फ्लाम, जैसे चोट लगती है तो एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है, कुछ कोई मच्छर काटता है तो भी वहाँ लाल हो जाता है, वो भी एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है, और वो कुछ दिन रहता है फिर ठीक हो जाता है, राइट? अगर कोई इन्फ्लामेशन लंबे समय तक रह रहा है, चलते जा रहा है, देन दैट इज कॉल्ड एज अ क्रोनिक इन्फ्लामेशन. नाउ व्हाट इज क्रोनिक? क्रोनिक मतलब लॉन्गर देन 6 वीक्स. अगर कोई बॉडी के हिस्से में 6 वीक से ज़्यादा लंबे समय तक डैमेज हो रहा है, दैट इज इन लॉन्गर देन 6 वीक. यहाँ पर बिना किसी इंजरी के काम हो सकता है और इन्फ्लामेशन चलता रहेगा, यानी कि कोई चोट नहीं लगी है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन कई बार लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन भी रहता है, ऐसी कोई बात नहीं. क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑटो इम्यून डिजीजेस के साथ और स्ट्रेस के साथ रिलेटेड है. सो इन्फ्लामेशन जहाँ भी होगा वहाँ पे 5 साइन आएंगे, हीट, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग एंड लॉस ऑफ फंक्शन. यानी जहाँ भी इन्फ्लामेशन होगा वहाँ पे गर्म होगा, गर्माहट होगी, दर्द होगा, लालपना होगा, सूजन होगी, और फंक्शन वहाँ का, उस एरिया का काम जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा. ये बिल्कुल एक तरीके का कर्फ्यू के जैसा है. जिस भी एरिया में कर्फ्यू होगा वहाँ आग भी लगेगी, वहाँ धुआं भी होगा, वहाँ धूल मिट्टी भी होगी, वहाँ पे कर्फ्यू में सूजन बहुत सारा, वो दिक्कत भी हो जाएगी. तो एक तरीके से ऐसे मान के चलिए चमड़ी में वहाँ पे कर्फ्यू लग रहा है अगर कभी भी कुछ होता है तो, राइट? और हर जगह पे अलग अलग तरीके का, अलग अलग लेवल का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन किस चीज़ ने उसको कॉज किया है, एक बम ब्लास्ट है या एक छोटा सा मच्छर ने काटा है, मीनिंग डिपेंडिंग अपॉन द इरिटेटेड, मीनिंग द ऑफेंडिंग थिंग विच इज देयर. सो लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन जो होता है वो आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है लंबे समय में. जैसे कि अगर क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा तो क्रोनिक बॉडी में पेन हो सकता है, कॉन्स्टेंट फटीग हो सकता है, इनसोमनिया, नींद नहीं आने का प्रॉब्लम हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एनजाइटी हो सकता है, मूड डिसऑर्डर्स हो सकता है, मूड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और तो और वेट गेन, साथ फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, एसिड रिफ्लक्स, पेट खराब जैसी चीज़ें सिर्फ क्रोनिक इन्फ्लामेशन की वजह से हो सकती है. और क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो है, ऐसी कई सारी बीमारियां हम स्किन में, रैशेस के तरीके से, जॉइंट पेन के जैसे, हार्मोनल इम्बैलेंस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज जैसी बीमारियां देखते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कई सारी ऐसी बीमारियां हैं. तो क्या कर रहा है ये इन्फ्लाम, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस इन्फ्लामेशन, राइट? ऑब्वियसली देखिए, इन्फ्लामेशन एक्यूट या क्रोनिक रह सकता है. कोई भी एक्यूट या क्रोनिक कंडीशन, चोट से लेकर इन्फेक्शन तक इन्फ्लामेशन करेगी. कुछ दवाएं इन्फ्लामेशन कर सकती हैं, कुछ फॉरेन बॉडी का इरिटेशन, किसी चीज़ से एलर्जी इन्फ्लामेशन कर सकती है. कोई चीज़ शरीर पर लग जाए, जैसे कोई चीज़ पहनी है वो इन्फ्लामेशन, एलर्जिक रिएक्शन कर सकती है. सांस में जाने वाले डेंग, कोई भी एलर्जिक माल, धूप, पोलन ग्रेन्स, एनिमल डेंगर, राइट, मोल्ड्स, ये सब इन्फ्लामेशन कर सकते हैं लंग्स के अंदर. तो जहाँ पर जा रहा है वहाँ इन्फ्लामेशन. खाने पीने की चीज़ें इन्फ्लामेशन कर सकती हैं, जैसे किसी को
दूध से एलर्जी है, दूध का इन्फ्लामेशन, कोई किसी को शुगर, कार्बोहाइड्रेट, अल्कोहल, प्रोसेस्ड फूड, ट्रांस फैट्स, इन सब से इन्फ्लामेशन हो सकता है। और ये चीज़ें जो है, ये कुछ चीज़ें हैं खाने पीने की चीज़ें जो इन्फ्लामेशन बढ़ाती हैं, वो ये चीज़ें शुगर, राइट, चीनी, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, दारू, अपना प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड मीट्स बेसिकली ज़्यादा, और ट्रांस फैट्स ये इन्फ्लामेशन बढ़ाती हैं। क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी। क्लियरली जहाँ एक टेम्प्ररी वाला इन्फ्लामेशन चोट से हीलिंग करता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन आपको बीमार करता है। तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन या इन्फ्लामेशन को डायग्नोस कैसे किया जाएगा? कोई एक सिंगल टेस्ट नहीं है बॉडी में इन्फ्लामेशन बताने का, ब्लड टेस्ट है कई सारे जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन दिक्कत चल रही है। ऑल्दो ESR और HSCRP एक तरीके से बॉडी के अंदर लिवर का रिस्पॉन्स है इन्फ्लामेशन को। अगर बॉडी में कहीं भी लिवर रिस्पॉन्स, कहीं भी इन्फ्लामेशन होता है तो CRP नाम का, सी रिएक्टिव प्रोटीन नाम का प्रोटीन बॉडी के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। ये नेचुरली लिवर प्रोड्यूस करता है इन्फ्लामेशन के रिस्पॉन्स में, बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन हो तो हाई लेवल CRP का हम इन्फ्लामेशन के माने से को इंडिकेट करता हुआ जान सकते हैं। लेकिन कहाँ इन्फ्लामेशन है, कहाँ वो चमड़ी पे एक मच्छर ने काटा है, बहुत बड़ा फूल गया है कोई, या फिर कोई घुटने खराब हो रहे हैं, ये नहीं वो बताता CRP। लेकिन अगर दवा देते हुए CRP कम हो रहा है तो जो भी दिक्कत है वो कम हो रही है। वैसे ही ESR होता है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इन दोनों पे हमारे डिफरेंट वीडियोस ऑलरेडी हैं यूट्यूब पे, और ESR भी बताता है इन्फ्लामेशन को। ESR इन्फ्लामेशन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है तो कई सारी बीमारियों में ESR बढ़ा हुआ आएगा, HSCRP नहीं। CRP हार्ट के रिस्क भी बढ़ाता है, अगर CRP आपका ज़्यादा आता है तो आपको लंबे समय में दिल की बीमारी होने का खतरा है। बिल्कुल ऐसे ही और भी ब्लड टेस्ट अवेलेबल है, जैसे कि सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस SPE। कायदे से ये सबसे बेस्ट वे है, ऑल्दो ये कॉमनली नहीं किया जाता, ये कायदे से सबसे बेस्ट तरीका है क्रोनिक इन्फ्लामेशन पकड़ने का। और ये मेजर करता है आपके ब्लड के अंदर प्रोटीन को और आइडेंटिफाई करता है, मतलब इट बेसिकली मेजर्स सम प्रोटीन, सर्टन प्रोटीन इन द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड टू आइडेंटिफाई एनी टिश्यू, राइट, सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो ज्यादा मात्रा में अगर, या फिर बहुत कम मात्रा में ये सीरम प्रोटीन्स पाए जा रहे हैं तो दैट कैन इंडिकेट इन्फ्लामेशन इन सर्टन पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट। सो ये एक टेस्ट हुआ। फिर प्लाज्मा विस्कोसिटी, प्लाज्मा मतलब खून में जो पानी है वो कितना गाढ़ा है वो पता कर सकता है, वो भी इन्फ्लामेशन में पानी जो है वो गाढ़ा हो जाता है, कहने का मतलब है पानी कम हो जाता है तो गाढ़ा खून हो जाता है। और भी ब्लड टेस्ट होते हैं वायरसेस, बैक्टीरिया के लिए, या कोई स्पेसिफिक टेस्ट अगर हमें करना है इन्फ्लामेशन कहीं घुटने पे तो एक्सरे, पेट में है तो अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, वो सारे टेस्ट किए जा सकते हैं ढूंढने के लिए कि इन्फ्लामेशन कहाँ है। और क्रोनिक डायरिया है, कोई पेट की प्रॉब्लम है तो MRI भी किया जा सकता है, पेट के लिए एंडोस्कोपी की जा सकती है, कोलोनोस्कोपी की जा सकती है। तो इन्फ्लामेशन के साथ शुरू हुआ टेस्ट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है बीमारी के अनुसार। इसके लिए क्या कोई होम रेमेडी है, क्या इसका कोई इलाज है? जी हाँ, होम रेमेडी है। इसके लिए आपको सिंपल चीज़ें करनी है, आपकी डाइट चेंज करनी है। जो जो चीज़ें हमने बताई है, सिंपल शुगर यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, ट्रांस फैट्स यानी तली हुई चीज़ें, तली घी, बटर, मक्खन, मलाई, प्रोसेस्ड फूड यानी कि एक खाने को मशीनों से निकाल निकूल के उसको अजीबोगरीब चिप्स जैसा या सॉसेज जैसा शेप दे देना, उनको ना खाएं। सिंपल फूड खाएं, घर में पका के खुद खाएं। इन्फ्लामेटरी फूड्स, जैसे इन्फ्लामेशन के लिए फूड्स हैं वैसे एंटी इन्फ्लामेटरी फूड भी हैं, ऐसे फूड जो इन्फ्लामेशन कम करते हैं। इसमें सबसे ऊपर है बेरीज और चेरीज। जी हाँ, जितनी भी फल फ्रूट में बेरीज हैं, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी सबसे अच्छी, फिर स्ट्रॉबेरी और बाकी दूसरी बॉरी भी चल जाएगी। फिशेज, फैटी फिश में ओमेगा 3 है, ओमेगा 3 इज वन ऑफ द बेस्ट एंटी इन्फ्लामेटरी थिंग। उस पर आज वीडियो, उस पर वीडियो भी है हमारा यूट्यूब पे। ब्रोकली, एवोकाडोस जिसमें ओमेगा 3 है, ग्रीन टी, मशरूम्स और कुछ आपके घर में आप पड़ी हुई चीज़ें, राइट, अदरक, लहसुन, जिंजर, टर्मरिक, क्लोव, लौंग, इलायची, टोमेटोज, ये सब एंटी इन्फ्लामेटरी। जी हाँ, सो आप क्या कर सकते हैं, इन सब के सप्लीमेंट ले सकते हो या फिर इनको ज़्यादा खा सकते हो, सलाद ज़्यादा खा सकते हो, इवन फ्रूट्स, एवरी फ्रूट हैज सम इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी। इसके अलावा आप ठंडे और कोल्ड, हॉट या कोल्ड थेरेपी कर सकते हो, अगर कहीं कोई चोट लगी हो उसके वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है। चोट लगने पर इमीजिएटली
ठंडा लगाएंगे, बर्फ लगाएंगे एक दिन 14 दिन के लिए, तो सूजन कम होती है, इन्फ्लामेशन कम होता है। उसके बाद क्रोनिक दर्द के ऊपर अगर गर्म लगाएंगे तो इन्फ्लामेशन कम होता है, सो दैट इज गुड। रेगुलर एक्सरसाइज करने से इन्फ्लामेशन कम होता है, सही तरीके से नींद लेने से इन्फ्लामेशन कम होता है, स्ट्रेस को कम करने से इन्फ्लामेशन कम होता है, और स्मोकिंग बंद करने से इन्फ्लामेशन कम होता है, ड्रिंकिंग कम करने से इन्फ्लामेशन कम होता है। तो भाई साहब, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं आपके हाथ में, जो आप गड़बड़ी कर रहे हो बंद करिए। इसके अलावा भी अगर दिक्कत होती है तो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन भी आती है। एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन में कुछ पेन क्लियर है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स एनसेड्स, जैसे कि एस्पिरिन, ब्रूफिन, नेप्रोक्सिन, आइपोप्रूफिन, ये आपने सुना है ना, पैरासिटामोल, राइट, एसिटामिनोफेन, टाइलोनॉल, व्हाटएवर यू कॉल इट, राइट, डाइक्लोफिनेक, कई सारी ये दवाइयां जो है वो पेन किलर्स एंटी इन्फ्लामेटरी होती हैं। स्टीरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स, नॉट दैट स्टीरॉइड्स जो टेस्टोस्टेरोन वाले स्टीरॉइड्स नहीं, कॉर्टिकोस्टीरॉइड जो हैं ये एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं। इसीलिए जब भी आपकी बॉडी के ऊपर एलर्जिक रिएक्शन में बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन हो जाता है, ऊपर लगाते हो स्टीरॉइड क्रीम, स्टीरॉइड पाउडर, स्टीरॉइड क्रीम, ठीक है, सो दैट इज एंटी इन्फ्लामेटरी। फिर कई सारे टॉपिकल एनाल्जेसिक या अलग क्रीम भी आते हैं जो एक्चुअली आपकी इन्फ्लामेशन कम करते हैं, जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट्स के जैसे कैसपेजेस या इवन नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, या फिर कोई आपके स्टीरॉइड्स के अर्क हो सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इन्फ्लामेशन ज़रूरी भी है, वरना उसके बगैर हीलिंग नहीं होगा, उसके बगैर कंट्रोल नहीं होगा। जैसे बिल्कुल जिस तरह से शरीर या एक देश के लिए पुलिस, आर्मी सब ज़रूरी है, अगर कोई ऐसा देश हो जहाँ पे कोई पुलिस वाला ही नहीं है, कोई आर्मी वाला ही नहीं है, तो वो देश में भी कुछ चीज़ सही नहीं रह सकती, राइट, ऑर्गेनाइजेशन नहीं रह सकता। लेकिन जहाँ लोगों के पास पावर दिया जाता है, पुलिस आर्मी, वहाँ उसका मिसयूज़ भी होता है। बिल्कुल उसी तरह से अगर आपके अंदर के इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है तो आपके अंदर वो हाहाकार मचा सकता है, दिक्कत कर सकता है। तो इसलिए अपने शरीर को, अपने पूरे पुलिस सिस्टम को शांत रखने की कोशिश करिए। जितनी अच्छी चीज़ें हमने एंटी इन्फ्लामेटरी बताई है, उसको अपनी लाइफ में अपनाने की कोशिश करिए। अगर कोई सवाल है आपके तो ज़रूर पूछिए, हम हैं आपका जवाब देने के लिए। पहले 10 सवालों के जवाब तो ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।